अज अंब सरकार के खिलाफ मुजहरा कर रहे हैं। ये जरा मुजहरा है असि कोई शौक को नहीं करते। जी पब्लिक धरने से आई आ सवेर तो 8 बजे आ जाते 11 बजे घर मुड़ जाते हैं। ना कोई काम नहीं चल रहा, ना रेत मिल रही है, ना बजरी मिल रही है, ना सीमेंट मिल रहा, कोई चीज नहीं मिल रही। ना इन्हों चीजा खरीदने जोगा छड़िया है। जिहड़े जो चन्नी साहब आए थे उन्होंने फिर भी चलो जरा रेता रूता जी सू दी चलो रेट थोड़ा ज्यादा से उदो भी अभी रौला पाया, पर इन्होंने सब कुछ बंद ही करता। ना है, ना है बजरी ना माइनिंग ना एक्साइज इन्हों की कोई पॉलिसी नहीं। ये उदो केजरीवाल बड़े बड़े करता है कि मैं ऐ करूँगा इतू 40-50 करोड़ आ जाना, इतों आ जाना मैं रेत माइनिंग बंद करूँगा, उदो 11 करोड़ इकट्ठा कर देना। ऐ हूँ स्कूलों पिंड खोलन दिया जे हेल्थ सेंटर ये उ कर इतने गुरु नानक साहब इनू कह रहे जो चाहिए इन्हों बैड इन्हों मशीनरी सारी सप्लाई करे। गरीब इतने आया पिंड तो डॉक्टर भी नहीं जाना। जोड़ा सा एनओसी का मामला है एनओसी सर वैसे तो हाले कर ही नहीं रहे कि जेडे अफसर आए बाहरों लिया के सुटे इन्होंने वो कहते साड़ी कंप्लेट करे तो अं वापस जाइए। वो पहली गल तो सानू उ चक्कर चक्कर मनाए जोड़ा रेट करता है एनओसी का आम बंदा अफोर्ड कर ही रेट जमीन 480% तक बढ़ा दी कई इलाके हम जी दुस्सी होगी कलैक्टर रेट के मुताबिक दुस्सी होगी वो आम लोगों से बोझ पेगा। यह मसला पंजाब के आम लोगों का जिसे कोई आदमी ने प्लाट लिया कोई 10 साल पहले प्लाट लिया उदो एनओसी नहीं हैगी। अज उन्हें बच्चे बाहर भेजना जो कोई बेटी की शादी करनी है कोई बीमार है आदमी तो प्लाट बेचेगा तो एनओसी की मोटी रकम जी जेब से जाएगी। रेत जी पहला कोई 2200 मिलती थी अब 6,065 रुपये में रेत मिल रही है वही नहीं आ रही। पिछले यहोज पॉलिसी आते सरल पॉलिसी बनावे अच्छी पॉलिसी का की फायदा। अब गरीब लोग अब सरकार का पुतला फूकिया सरकार को जगाने की कोशिश की भी इन्होंने लोगों ने वोटा पा के तुम सरकार बनाई है तो तुम ये आम लोगों की सुनवाई करो इस तरह ना करो। लोग बड़े चाणा लोगों ने बदलाव लिया वा ये बदलाव जो तुम अपना क्या वा भी आप आम लोगों की सहूलत वास्ते कानून बनावे वो बिल्कुल जो क्या वो बिल्कुल उल्टू होने वा। लोग सड़कों से आगे निकले हुए हैं धरने प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि सरकार तो लोग दुखी हो गए हैं। इन्ने समय से पता लग गया भी सरकार ने क्या किया लोगों ने।